वेलकम बैक टू गाइज इन अनदर वीडियो। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं KTM की तरफ से आने वाली ड्यूक 250 के बारे में। तो भाई पहले बहुत सी शिकायतें थी लोगों की कि ड्यूक 390 में ज़्यादा फीचर्स आते हैं और ड्यूक 250 में भाई हम लोग को कुछ नहीं देते हैं। तो भाई कंपनी ने इस कमी को पूरा ही दूर कर दिया है। तो इस बार भी कंपनी ने ड्यूक 250 में बहुत सारे फीचर्स दे दिए हैं और बस एक दो फीचर्स नहीं दिए, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल और TFT डिस्प्ले। बाकी यार डिस्प्ले आपको जो इसमें मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है, बस कलर डिस्प्ले नहीं है। बाकी इसमें आपको फीचर्स सारे मिल जाते हैं जो 390 मिलते हैं, आपको इसमें भी देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे वो सुपर मोटो ABS हो और चाहे डुअल चैनल ABS हो, चाहे बाई फंक्शनल क्विक शिफ्टर हो, तो सब कुछ मिल जाता है आपको। वही सेम हेडलाइट मिल जाती है, सेम टेल लाइट मिल जाती है, वही सेम फ्रेम मिल जाता है। तो लगभग सारे फीचर्स आपको सेम ही मिल जाते हैं इस बाइक में। तो चलिए शुरू करते हैं ड्यूक 250 में आपको क्या क्या मिलता है। तो पहले यार बात करते हैं लुक्स की। तो भाई लुक्स में नो डाउट ये बिल्कुल ही नया लुक कर दिया है, मतलब पहले से बिल्कुल ही चेंज कर दिया ड्यूक, बिल्कुल ही सुपर ड्यूक वाला फील आने वाला है इस बाइक में। तो फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प मिल जाते हैं देखने के लिए, जो कि यार काफ़ी अच्छे लगते हैं, मिरर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्रंट में इसके, और हैंडल बार्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बात करें फ्रंट टायर की, तो 110 सेक्शन का फ्रंट में आपको टायर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर फ्रंट में बात करें डिस्क ब्रेक की, तो फ्रंट में जो डिस्क है उसका साइज है 320 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और बाइवेर की तरफ से 4 पिस्टन कैलिपर भी मिल जाते हैं। तो नो डाउट यार ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाली है इस बाइक में। तो चलिए चलते हैं इस बाइक के टैंक साइज पर। तो 15 लीटर का टैंक साइज मिलता है, तो काफ़ी मैसिव इंक्रीमेंट कर दिया गया भाई, इंक्रीज कुछ ज़्यादा ही कर दिया, 15 लीटर का टैंक साइज दे दिया भाई। तो टूरिंग वूरिंग करिए बड़े आराम से। तो चलिए भाई इंजन के बारे में आते हैं। तो इसमें आपको 249 cc का लिक्विड कूल SOST इंजन मिलता है। हाँ भाई बिल्कुल ही सही सुना, SOST। पहले आपको इसमें DOST इंजन मिलता था, मगर इसमें अब LC4 मिलने लगा है, मतलब LC4 न्यू टेक्नोलॉजी जो यूज़ करी है KTM ने, तो उस टाइप का इसमें आपको इंजन देखने को मिलता है, तो वो SOST इस बार है। तो एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा आता है इस बाइक में। 6-speed गियर बॉक्स के साथ में 30.57 bhp की पावर और 25 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो बात करें टॉप स्पीड की, तो 150+ ही टॉप स्पीड आपको इसमें मिल जाती है, पहले भी 150 आराम से क्रॉस कर जाती थी, तो उतनी अभी भी टॉप स्पीड बरकरार रखी है। तो बात करते हैं इसमें सॉकर्स की, तो इसमें WP के सॉकर्स मिल जाते हैं देखने के लिए 41 mm के। तो फ्रंट एडजस्टेबल नहीं है, मगर रेयर में आपको जो WP के सस्पेंशन मिलते हैं वो आपको 10 स्टेप एडजस्टेबल मिल जाते हैं देखने के लिए। तो उसमें सिपर क्लच भी मिल जाता है देखने के लिए, फ्यूल इंजेक्टेड ये बाइक है, 15 लीटर का टैंक साइज और BS6 फेज 2 में देखने के लिए मिल जाती है आपको ये बाइक। तो बात करें डिस्क ब्रेक्स की, तो फ्रंट में 320 mm का और रेयर में 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। फ्रंट में 4 पिस्टन कैलिपर और रेयर में 2 पिस्टन कैलिपर देखने को मिल जाता है। उसमें अलॉयस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो वेट रिडक्शन के लिए थोड़ा सा इसमें काम किया गया है। तो वेट रिडक्शन के बाद भी इसका वेट है, कर वेट है, तो 162 kg है। और सीट हाइट की बात करें, तो 800 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है इसमें। और इसके स्पीडोमीटर में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, भर भर के फीचर्स इसमें मिले हैं आपको, मतलब सब कुछ इसमें देख सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसमें मिल गई देखने के लिए। और एग्जॉस्ट नोट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है इस बाइक में। तो फ्रंट में 100 सेक्शन का और रेयर में 150 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है आपको। हेडलाइट का थ्रो आर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, एलुमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिलता है, और सीट भी यार काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। राइडिंग पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल इस बाइक में मिलता है आपको देखने के लिए। और बात करें माइलेज की, तो माइलेज में वही 30 तक का ही माइलेज देगी, इसके ऊपर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि KTM में आपको काफ़ी ज़्यादा हाई RPM वाला इंजन मिल जाता है, मतलब RPM बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन करता है इसमें, मतलब। और इसमें आपको राइड बाई वायर भी मिलता है, तो भाई परफॉर्मेंस आप जानते हैं राइड बाई वायर के साथ में कितनी अच्छी हो जाती है। और टेल लैम्प इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। स्विच एंड जो इसमें फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल ही लाइट वेट न्यू टेलिस फ्रेम देखने को मिल जाता है आपको इस बाइक में। और बात करें क्विक शिफ्टर की, तो भाई इसमें बाई फंक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, मतलब आप अप शिफ्ट भी कर सकते हैं बिना क्लच दबाए और डाउन शिफ्ट भी बिना क्लच दबाए ही कर सकते हैं। तो स्लीपर क्लच भी मिलता है और क्विक शिफ्टर मिलता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यार काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। वैसे भाई क्विक शिफ्टर हो तो क्लच की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मगर जब क्लच यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लगेगा आपको।
तो वो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ मिल जाती है आपको। और बात करें प्राइसिंग की, तो 2,70,000 रुपये, लगभग 2,80,000 रुपये के आसपास ही कानपुर में पड़ती है आपको। तो बात कर लेते हैं इसके कंपटीशन में आपको कौन कौन सी बाइकें मिलती हैं। तो भाई 2,80,000 के आसपास आपको अपाचे की RTR 310 देखने के लिए मिल जाएगी। और इससे बहुत ही कम प्राइस में आपको सुजुकी की Gixxer 250 देखने को मिल जाएगी। और आपको थोड़ी सी अच्छी टूरिंग बाइक चाहिए तो Dominar 250 भी ले सकते हैं। और भाई 2,80,000 में आप Dominar 400 भी ले सकते हैं भाई, मतलब 400 CC का इंजन मिल जाएगा आपको। मगर आपको अगर फीचर चाहिए, थोड़ी सी पावर कम चाहिए, बिल्कुल ही नया फ्रेश लुक चाहिए, तो ये Duke 250 पे जाइए। और थोड़ा सा फीचर ज़्यादा चाहिए और थोड़ा सा पावर आपको कम भी चलेगी तो RTR 310 भाई वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगा, आँख बंद करके उसको ले सकते हैं आप। तो RTR 3 लाख के लगभग आपको पड़ती है, तो कुछ वेरिएंट उसके जो हैं तो 3 लाख के अंदर मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। तो भाई एक 250 CC की गाड़ी भाई कहीं भी सेंस नहीं बनाती है इन दोनों के बीच में। आपको पावर चाहिए तो भाई 2,80,000 में Dominar 400 लीजिए, टूरिंग पर्पज़ की, वो भी नेकेड बाइक है, उसमें भी आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है। बस ये है थोड़ा सा वेट ज़्यादा है Dominar 400 में, 192 kg का अप्रॉक्सीमेट वेट है, तो वेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब अच्छा खासा वेट है, अच्छा नहीं होता वेट। तो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी उसमें। तो Gixxer भी ले सकते हैं भाई, मतलब कम प्राइस है और इतना ही बजट है। तो RTR अगर पर्सनली मुझे लेना होता इस सेगमेंट में, तो अगर मुझे पावर चाहिए होती तो मैं Dominar 250 की ओर आँख बंद करके चला जाता, और इतने पैसे होते तो ज़्यादा फीचर चाहिए, थोड़ी सी पावर कम, मतलब ज़्यादा पावर भी कम नहीं है, लगभग 5 BHP का फ़र्क है इन सब में। इसमें आपको 30 BHP की पावर मिलती है, RTR 310 में आपको 35 BHP की पावर मिलती है, और Dominar 400 में आपको 40 BHP की पावर मिलती है। तो मतलब एक प्राइस पॉइंट में आपको तीन तीन बाइकें मिल जाती हैं देखने के लिए, वो भी अलग अलग सेगमेंट की, मतलब 250 भी, 300 भी, 400 भी, तो मतलब समझ सकते हैं। तो दोनों के बीच में जो है वो है अपाचे RTR 310, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी, क्योंकि उसमें आपको इनिशियल भी, मिड रेंज भी, टॉप एंड भी, और BMW वाला इंजन भी मिल जाता है देखने के लिए भाई। फीचर इससे कहीं ज़्यादा उसमें है, TFT डिस्प्ले भी है भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, व्हीली कंट्रोल तक उसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइडिंग मोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं उसमें आपको, मतलब इससे कहीं ज़्यादा फीचर्स लोडेड वो बाइक है। और उसमें आपको हीटेड ग्रिप्स मिल जाती हैं, हीटेड वेंटिलेटेड और सीटें भी मिल जाती हैं, तो भाई मतलब और क्या ही लेंगे। तो सीधा सीधा भाई यही बनता है कि इस बाइक को ना ही परचेज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्राइस में अगर आपको बहुत सारी अदर बाइकें मिल जाएंगी, उनकी तरफ जाना है तो ज़्यादा ठीक रहेगा।